Hi students, let's start with the last part of Principles of Inheritance and Variations. First question is, the Mendelian disorders are caused by, Mendelian disorders जो होते basically वो होते hemophilia, color blindness वगैरह, thalassemia हो गया, तो वो किससे cause होते, that are caused by mutation in a single gene. Next question, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो होती है इट्स अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, वो होती क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये ना ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है और ये एक तरीके की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जो कि कॉज होती है ड्यू टू प्रोग्रेसिव मसल लॉस और वीकनेस की वजह से. मसल में लॉस होने लग मतलब प्रोग्रेसिव मसल लॉस होने लगता है और वीकनेस होने लगती है मसल्स में. इसमें क्या होता है, मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाते इजीली, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. तो ये होती है अपनी ऑटोसोमल डोमिनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद क्वीन विक्टोरिया? क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड कौन सा? क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे ना उसकी पूरी फैमिली को ये चीज हुई थी एंड वो फीमेल टू फीमेल ट्रांसफर होती थी. तो ये था हमारा हीमोफीलिया. हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो नॉर्मली क्लॉट नहीं हो पाता, ठीक है, और हीमोफीलिया इज कॉज बाय म्यूटेशन और अ चेंज इन वन जीन. ठीक है, जो जीन्स होते हैं हीमोफीलिया जो कॉज करते हैं उसके जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ सिंगल डिजीज पेरेंट? कोई एक पेरेंट अगर वो है उस चीज से सफर कर रहा है तो ऐसी कौन सी डिजीज है जो सिर्फ उससे ट्रांसमिट नहीं हो सकती? तो दैट इज सिकल सेल अनेमिया. ठीक है, तो सिकल सेल अनेमिया में क्या होता है कि टू बॉर्न विथ सिकल सेल अनेमिया डिजीज अ चाइल्ड हैज टू इनहेरिट अ कॉपी ऑफ सिकल सेल जीन फ्रॉम बोथ देयर पेरेंट्स. मदर और फादर दोनों में ही उसके जीन्स प्रेजेंट होने चाहिए, भले ही मदर कैरियर हो या फादर कैरियर हो, उन दोनों में से कोई एक डिजीज होना चाहिए और एक कैरियर होना चाहिए, बट दोनों में वो जीन्स होने ही होने चाहिए. दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ सिकल सेल जीन, ऑल्सो नोन एज हैविंग द सिकल सेल ट्रेट. दैट्स वॉट आई वॉज सेइंग कि या तो मदर में वो कैरियर हो या फादर में वो कैरियर हो, ठीक है, या फिर दोनों ही कैरियर हो, या फिर कोई एक कैरियर हो और एक सफरर हो, ठीक है, तभी जाके सिकल सेल एनीमिया ट्रांसमिट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स कुड कॉज सिकल सेल एनीमिया? तो दैट इज HBS प्लस HBS. सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय, दिस इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट सिक्स पोजिशन इन द पॉलीपेप्टाइड चेन. ग्लूटामिक एसिड चेंज सब्सटीट्यूट हो जाता है बाय वैलिन एट द सिक्स पोजिशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया कॉज होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी इज प्रोड्यूस बाय. नॉर्मल आरबीसी जो होते हैं वो सिंगल सर्कुलर ओवल होता है, बट सिकल सेल अनेमिया में वो सिकल शेप के हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है. तो ये होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ म्यूटेंट हीमोग्लोबिन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल अनेमिक पर्सन विल हैव, जिस बंदे को सिकल सेल अनेमिया होगा उसको क्या होगा? उसके जो आरबीसीज होंगे वो सिकल शेप्ड होंगे, ठीक है, दीज आर रॉन्ग. नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन बनेगी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एबनॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन बनेगी उसकी. मेंटल रिटार्डेशन इज एसोसिएटेड विद, ये एक सिम्टम दे रखा है, ये बताना है कि इन चारों में से किसका सिम्टम है. तो दिस इज फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया. फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होता है कि दिस इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन द जीन्स दैट हेल्प्स टू क्रिएट द एंजाइम नीडेड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फिनाइल एलानाइन. फिनाइल कीटोन यूरिया में फिनाइल एलानाइन को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, जो कि वो बंदा प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाता है और एज अ सिम्टम उस बंदे में मेंटल रिटार्डेशन शो होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट का पूछा है इसमें हमसे.
तो ये होगा हमारे पास पॉलीप्लॉइडी कॉज ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनोसिस आफ्टर टीलोफेज। इसके लिए आपको एक बार प्रॉपरली सेल साइकिल गो थ्रू कर जाना, उसके बाद ये चीज देखना अगर इसमें कोई डाउट होगा तो। उसमें ये बोला है पहले ऑप्शन में कि पॉलीप्लॉइडी इज कॉज ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनोसिस आफ्टर टीलोफेज। इसमें करेक्ट ऑप्शन देखा है, पूछा है हमसे। तो पॉलीप्लॉइडी बेसिकली होती क्या है ये देख लेते हैं। पॉलीप्लॉइडी में ऑर्गेनिजम्स हुज जीनोम्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके जीनोम में मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज पॉलीप्लॉइडी। वो ऑर्गेनिजम्स पॉलीप्लॉइडी में काउंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो होगा ए एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट, दिस इज करेक्ट। एंड डी ऑप्शन इज पॉलीप्लॉइडी रिजल्ट्स इनटू एन इंक्रीज इन वाई सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस इज डैश ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर और डैश ऑफ आईज। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जो कि रेड और ग्रीन कोन्स में होता है, ठीक है। बेसिकली वो बंदा रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंसिएशन में प्रॉब्लम होती है और उसको हर जगह उसके स्पॉट्स दिखाई देते हैं थोड़े थोड़े। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेमीट्स फॉर्म बाय अ जीनोटाइप। ये जीनोटाइप है, नंबर ऑफ गेमीट्स बताने कि इससे कितने टाइप की गेमीट्स फॉर्म हो सकते हैं, तो दैट इज 16 टाइप ऑफ गेमीट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज, इसमें से कौन सी ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज है, तो दैट इज थैलेसीमिया। जो थैलेसीमिया होती है, थैलेसीमिया इज कॉज बाय म्यूटेशंस इन द डीएनए और सेल्स दैट मेक द हीमोग्लोबिन। ये फर्दर डिवाइड होती है अल्फा बीटा गामा टाइप्स में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के रिस्पेक्ट में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें, ठीक है। तो दैट इज, इट इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थैलेसीमिया आर ऑब्जर्व, अनीमिया इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस डिजीज, डिफेक्ट कॉज ड्यू टू म्यूटेशन एंड डिलीशन। इसमें हमें ये बताना है कि इसके रिस्पेक्ट में कौन सी चीज नहीं जा रही है सूटेबल इसके अकॉर्डिंग, तो दैट इज अनीमिया। अनीमिया होता है थैलेसीमिया में। द बेसिस ऑफ थैलेसीमिया क्लासिफिकेशन कैन बी, जो थैलेसीमिया की क्लासिफिकेशन की गई है इनटू थ्री ग्रुप्स अल्फा बीटा गामा, वो उसका बेस क्या है। तो उसका जो बेस है दैट इज ऑन विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड, कौन सा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन पे इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय डैश ऑन क्रोमोसोम नंबर डैश। तो जो अल्फा थैलेसीमिया है वो इफेक्ट होता है लिंक जीन पे ऑन 16 नंबर क्रोमोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू बीटा थैलेसीमिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, जीन इन्वॉल्व इन HBA1, जीन इन्वॉल्व इन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन। इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो जो ये है HBA1 वाली स्टेटमेंट कि इसमें HBA1 में ये इन्वॉल्व होता है, दिस इज रॉन्ग। द जीन विच आर इन्वॉल्व इन अल्फा थैलेसीमिया आर डैश एंड डैश वाइल इन बीटा थैलेसीमिया आर। अल्फा बीटा थैलेसीमिया में जो जो जीन्स इन्वॉल्व है हमें वो बताने हैं। तो जो अल्फा में होते हैं वो होते हैं अपने HBA1 एंड HBA2, ये अपने होते हैं अल्फा के, और जो बीटा के होते हैं वो होते हैं HBB, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एजर्शन, फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में बात हो रही है पहले उसमें कि इट्स अ रिसेसिव हेरिडिटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द बॉडीज फेलियर टू ऑक्सीडाइज एन अमाइनो एसिड फिनाइल एडेनाइन टू टायरोसिन बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव एंजाइम। फिनाइल कीटोन यूरिया वो डिजीज होती है जिसमें हमारी बॉडी फिनाइल एलेनाइन ऑक्सीडाइज नहीं कर पाती फिनाइल एलेनाइन को टायरोसिन में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ एंजाइम। ये रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज होती है। एजर्शन इज टोटली करेक्ट,
रीजन क्या है कि इट रिजल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानाइन एसिड इन द यूरिन. रीजन एजर्शन के अकॉर्डिंग नहीं है बट रीजन भी ट्रू है. तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बनेगा बी, इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द F1 प्रोजेनी इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस बाय मेंडल रिसेम्बल्ड. F1 प्रोजेनी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुई थी मेंडल की, वो किस चीज से रिसेम्बल करती है? वो करती है अपनी द पेरेंट एग्जिबिटिंग डोमिनेंट ट्रेट्स ओनली. F1 प्रोजेनी में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट्स दिखे थे, F2 प्रोजेनी में जाके एक रिसेसिव ट्रेट मिला था हमें, जिसकी वजह से रेशियो चेंज हुई थी, 3:1 में आया था वो. अ टेस्ट क्रॉस इज टू इज डन टू फाइंड आउट. टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस पूछा है. तो जो टेस्ट क्रॉस होता है वो जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट एक्सप्रेसिंग डोमिनेंट फिनोटाइप पता करने के लिए यूज होता है टेस्ट क्रॉस. व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ टिपिकल मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस? टिपिकल मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की जो रेशियो होती है वो अपनी होती है 1:1. द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर एंड 4 o'clock प्लांट एग्जिबिट्स. तो जो ये है ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में. इसमें एग्जाम्पल दे रखा है क्रॉस बना के NCERT में बिटवीन द रेड कलर फ्लावर्स एंड व्हाइट कलर फ्लावर्स, जिसकी वजह से F1 प्रोजनी में पिंक कलर के फ्लावर्स निकलते हैं. दैट इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि ना तो उसमें रेड कलर डोमिनेट कर पाता है ना व्हाइट कलर डोमिनेट कर पाता है, वो दोनों फ्यूज करके इनका पिंक कलर का प्रोजनी निकालते हैं. तो दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इन 1900 मेंडल्स वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड बाय. मेंडल ने जो काम किया था 1900 में वो रीडिस्कवर किसने किया था? डी वेरी स्कोरेंसन फॉन शेजमार्क ने. जीन्स टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोजोम शो. जो जीन्स बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं उनमें जो रिकॉम्बिनेशन होती है वो बहुत लो होती है. जिनमें रिकॉम्बिनेशन बहुत हाई होती है उनमें जो जीन्स होते हैं वो बहुत लूजली लिंक्ड होते हैं. ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस एंड कीप रिवाइजिंग द चैप्टर. ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्रॉसेस अच्छे से रिवाइज करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.